वजीरे कानून से पुरानी दोस्ती है, कोई मसला नहीं। काजी फाइज ईसा केस में वकील बनने के लिए राब्ता किया गया था, इसलिए हुकूमत का मुकदमा लड़ने से इनकार किया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, मैं नहीं चाहता काम में कोई मुदाखलत करे। हकायक पर मुतल्लिका इदारों के अलावा किसी से हिदायत नहीं लेंगे। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तनाव। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम को वाजह बता दिया, रेफरेंस बहुत बड़ा केस है, मेरी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए तैयार है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस खुद मुख्तार इदारा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने मजीद कहा, रेकोडिक केस हुकूमत और वजीर आजम की तरजीहात में शामिल है। रेकोडिक केस मुल्की सलामती के हवाले से बड़ा अहम है। वजीर आजम की तरजीहात में अहम आलमी मुकदमात भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस देखने का कहा, अदलिया बहैसियत इदारा जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सब जजेस काबिल एहतराम है। खालिद जावेद खान ने कहा कि वजीर कानून से पुरानी दोस्ती है, कोई मसला नहीं, मगर नहीं चाहता काम में कोई मुदाखलत करे। हकायक पर मुतालिका इदारों के अलावा किसी से हिदायत नहीं लेंगे।